अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अररिया में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में एक मासूम बच्चे समेत चार की मौत। रानीगंज के विक्टोरिया ब्रिज के समीप हादसा। रानीगंज फारबिसगंज मार्ग पर विक्टोरिया पुल के समीप रविवार की देर रात ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में 3 साल के एक मासूम बच्चे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के मुखिया पति राजेश ऋषिदेव, मुखिया का 3 साल का बेटा मुन्नू कुमार, रंजीत ऋषिदेव व 55 साल श्याम ऋषिदेव शामिल हैं। घटना को लेकर मिली जानकारी अनुसार राजेश श्रीदेव अपने पुत्र मुन्नू कुमार को लेकर डॉक्टर को दिखाने रानीगंज आ रहा था। इसी दौरान उनके साथ बाइक पर रंजीत व श्याम ऋषिदेव भी सवार थे। ट्रैक्टर में धक्का लग गया डुमरिया और विक्टोरिया के बीच में रानीगंज अंतर्गत, उसमें 3 व्यक्ति की कैजुअल्टी हुई है और एक छोटे बच्चे की कैजुअल्टी, कुल 4 कैजुअल्टी हुई है, जिसमें श्याम ऋषिदेव है, राजेश ऋषिदेव है और रंजीत ऋषिदेव है। ये लोग सिमराहा थाना अंतर्गत मिर्जापुर का रहने वाला है। इसमें मुखिया जी के संबंधी भी एक है और इसको हम लोग यहाँ पर लाए इलाज के क्रम में, लेकिन लाते लाते ही सबकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है परिजन का द्वारा। काफ़ी मैंने की संवेदना व्यक्त करते हुए लोग को आग्रह है या हम लोग को रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया जाए। कहाँ पर हुआ है पर? ये विक्टोरिया गांव में हुआ है, जो रानीगंज रोड SH रोड है, स्टेट हाईवे रोड है, वो विक्टोरिया और डुमरिया के बीच में हुआ है। कैसे हुआ सर? हुआ कैसे? बाइक से ठोकर लग गया है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर में ठोकर लगने के बाद गिर के कैजुअल्टी हुई है। सभी लोग बाइक पर ही थे? 2 व्यक्ति बाइक पर थे, 1 व्यक्ति शायद वहाँ पे खड़ा होकर कुछ सामान ले रहे थे या कुछ कर रहे थे, बाइक से उतरे हुए थे, लेकिन और 3 व्यक्ति थे, तीनों ही एक मैंने रिश्तेदार ही हैं। कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग। बड़ा ही मर्माहत और दुखद घटना घटी है। मोटरसाइकिल में सवार एक बच्चा और 3 और लोग थे और पूरा महादलित परिवार के बच्चे, और सुन के मैं यहाँ देखने आया, बड़ी दुख हुआ है। एक्सीडेंट है तो हो गया है, परंतु लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए गाड़ी। और बड़ा ही मार्मिक बात है कि एक आदमी एक मोटरसाइकिल में 4 आदमी सवार और 4 एक्सीडेंट से मर जाए तो दुखद है। इस दुख की घड़ी में हम सब वैसे परिजनों के साथ खड़े हैं, उन्हीं के संवेदना में हम लोग आए हैं। इसी क्रम में विक्टोरिया पुल के समीप खड़े ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। घटना स्थल पर ही 4 की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया है। सभी मृतकों का सदर अस्पताल में देर रात पोस्टमार्टम कराया गया। सदर अस्पताल में सांसद भी पहुंचे और हादसे की जानकारी दी। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारे साथ अनुभवी आंखें। नमस्कार, मैं हूँ संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।